लुधावली वेयर हाउस पर अन्नदाता परेशान, कल से नहीं मिल रहा खाद, पानी और छाव की व्यवस्था ठप। जिले के देहात थाना क्षेत्र में आने वाले लुधावली वेयर हाउस पर कल से किसान परेशान हैं। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में किसान वेयर हाउस खाद लेने पहुंचे, लेकिन उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो सका। किसानों ने बताया कि कल से खाद लेने के लिए लुधावली वेयर हाउस पर आए हुए हैं, लेकिन कल से उन्हें खाद नहीं मिल रहा है, न ही खाद वितरण की जा रही है। आपको बता दें कि किसानों के लिए प्रशासन की ओर से ना तो पानी की व्यवस्था की गई है और ना ही धूप से बचने के लिए छांव की व्यवस्था की गई है। मौके पर एसडीएम शिवपुरी भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबंधक को नोटिस देने की बात कही, साथ ही पानी और धूप से बचने के लिए भी छांव की व्यवस्था करने की बात की। किसानों का आरोप है यहाँ पे ना तो पानी पीने की कोई व्यवस्था है, ना कोई छांव की व्यवस्था। किसानों का आरोप है, मैं अभी व्यवस्था कर रहा हूँ पानी की। डीएम कहाँ है सर? अभी तक क्यों नहीं की गई है सर? 3 दिन से किसान लगातार परेशान बना हुआ है। नहीं अभी व्यवस्था कर रहे हैं सर। अभी तक कैसे सर? सर अभी तक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या कारण रहा सर व्यवस्था ना करने? व्यवस्था ना करने का कारण क्या रहा सर अभी तक? अरे व्यवस्था धीरे धीरे होती है। अरे ये पानी, ये पानी की व्यवस्था कर दो ना। ये अन्नदाता प्यासे मर रहे हैं यहाँ पे धूप में। अभी अभी व्यवस्था करवा रहे हैं, अभी करवा। धनीराम। धनीराम कहाँ से आए हो? जामको से। जामको से खाद लेने आए हो? खाद लेने। क्या हुआ? ये नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं तो तहसील पर जाओ भाई टोकन लेने के लिए। तहसील? कब के आए हो तुम? 3 दिन हो गए हमको। 3 दिन हो गए, टोकन नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा तो फिर क्या क्या चाहते हो आप? खाद लेना चाहते हैं और खाद चाहते हैं? खाद चाहिए और खाद चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा? नहीं दे रहे। अच्छा ठीक। जनता को बरगला कर इधर से उधर पहुंचा रहे। तीन दिनों हो गए अलग अलग। पानी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भी नहीं है? कहाँ से पी रहे हो फिर? कहीं से नहीं। बैठे बैठे प्यासे मर रहे हैं। यहाँ कोई हिला नहीं है। कोई ट्रैक्टर से आया, कोई बस से आया, कोई बस से आया, अपना खाद लेने आया, कोई पैदल आया बेचारा। 7-8 किलोमीटर दूर है, कैसे जाएगा इंसान बताओ? आपने तो बोल दिया तहसील जाते हैं। आप कहाँ से हैं? क्या कहाँ से हो? बीरा से। बीरा से? हाँ जी। क्या नाम है? विवेक राय। विवेक राय, जैसे आपने अभी बताया साधन नहीं है। हाँ जी सर। तो बड़ी परेशानी आपको महसूस? भारी परेशानी है। पानी नहीं मिल रहा, पानी भी नहीं मिल रहा, पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इंसान झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं बैठा था सिंधार को। बिल्कुल प्यास से खड़े 3 दिन जो खा रहा है, दोनों में खाद बिक्र हो रहा है। एक खाद 3 दिन में बेचते हैं, रात में बेचते हैं। खाद मिल नहीं रहा, रात में भी जा रहा, नाइट में भी कोई नहीं जा रहा। मैं आपका, मेरा नाम भरत सिंह रावत। कहाँ से आए हैं आप? मैं रामा सिंह गांव से। खाद लेने आए हो, क्या स्थिति है खाद की यहाँ पे? खाद लेने आए, खाद मिल नहीं पा रहा। जनता इतने गोबर हो गई के अब खाद वाले खाद नहीं बांट पा। कब के आए हो? कल से। कल से नहीं मिला? नहीं मिला। तो कोई व्यवस्था है पानी माने की, धूप से बचने के लिए किसानों की कोई व्यवस्था की गई है यहाँ? अच्छा तो आप पूरी रात के? रात के। रात में मच्छर भी का? दो दिन से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विनोद पारा। कहाँ से आए हो? धौलागढ़ से। धौलागढ़ से कब से आए हो आप? मुझे परसों से आया हूँ इधर। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है वो दबंग लोग। ये अंगूठा पे 400-500 कट्टे ले आ रहा है। तो पुलिस प्रशासन मौजूद है? मौजूद है पुलिस, और मार रही है। मार रही किसानों को? अभी लड़के को देखो नीचे पटका है। अच्छा तो एसडीएम साहब भी अभी मौके पे आए, उनसे शिकायत वगैरह आप लोगों ने की है? सर कोई कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। अगर आगे खाद इस तरह से उपलब्ध नहीं होगा तो आगे क्या करने वाले हैं किसान? आगे करने वाले हैं कांग्रेस की शासन लाएंगे। चल सर, यहाँ पर ये किसान परेशान है और लगातार बाहर हंगामे की स्थिति बनी हुई है। आपको खुद को यहाँ आकर और पुलिस की मौजूदगी में खाद वितरण करवाना पड़ा, क्या कारण है जिसकी वजह से हालात बने? ऐसे हालात तो नहीं है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने से किसान को ये लगता है कि खाद शायद आगे ना आए, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। सोमवार को पूरा एक रैक खाद का 3,000 टन का आ रहा है, तो खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
तो आज हमने थोड़ी व्यवस्था बदली है, अब हमने तहसील परिसर से इनको टोकन इशू कराएंगे और दो टोकन लेके यहाँ आके वो खाद उठाएगा। किसानों का कहना है कि तहसील यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, वो पैदल, कुछ लोग पैदल भी आए, वो यहाँ से तहसील कैसे जाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि पैदल आए हैं, सब संसाधन से आए हुए हैं और वो आसानी से सहमत भी है वहाँ से लाने के लिए। अच्छा, अभी तक जो टोकन किसानों को मिल गए, क्या वो टोकन शून्य कर दिए गए हैं? नहीं, शून्य नहीं किए, वो वितरण वहीं से होगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने से जो काम था जहाँ वितरण हो रहा था वहाँ लोग लटके हुए थे, वो छोड़ नहीं रहे थे, तो ऐसी स्थिति में वितरण नहीं हो पा रहा। नहीं सर, जिन लोगों को पहले से टोकन मिल गए क्या वो नहीं, उनको वितरण हो रहा है, वो टोकन मान्य होगा वो? तो सर एक चीज यहाँ पर देखने आई है, किसानों का कहना है यार छांव की, बैठने की, पानी की कोई व्यवस्था कल से यहाँ सुचारू हो जाएगी। यहाँ बैरिकेडिंग भी करा रहा हूँ, टेंट, पानी और व्यवस्था कल से मिलेगी आपको। सर प्रबंधक द्वारा नहीं की गई, उसके लिए सर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? प्रबंधक को निर्देश दिए गए हैं और कल सारी व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और